ही के दिन 1947 में हमारा यह देश सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यह हम सब आज महसूस करते हैं। जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपनी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में हमारे पास अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक नीतियां हैं, एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हर नागरिक को भारत के संविधान ने उसके नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं और हर भारतवासी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में न केवल अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है बल्कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर भी बेहतर योगदान कर सकता है। आज का दिवस हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ता है, वह संकल्प जो इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने या देश की आजादी के पूर्व देश के स्वतंत्रता के लिए और आजादी के बाद सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक उपद्रव को समाप्त करने के उस अभियान का हिस्सा बनकर के अपने देश के बारे में और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में जो उनका संकल्प था, वही संकल्प हम सबका संकल्प होना चाहिए। वह संकल्प कि हमारा देश भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा।